अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट टू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.6 का पार्ट वन किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन के शुरू के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स तक अपना क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट सिक्स तक अपना काम कर लिया था। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सेवन करेंगे, और इसमें भी हम लॉग के जरिए से ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये है मेरे पास 2.709 मल्टीप्लाई बाय, ये है 7√1.239। अब स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई किस तरह से किया जाएगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए? उसी तरह से जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने इसको इक्वल किया था एक्स के, तो यहाँ पे भी हम इसको लेट कर लेते हैं कि पूरी टर्म एक्स के इक्वल है। 2.709 इंटू 1.239। नाउ वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ताकि लॉग की हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इधर तो लॉग एक्स हो जाएगा और दूसरी साइड पे लॉग इसका निकालेंगे 5√2.709 इंटू 3√1.239, राइट। अब स्टूडेंट, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर लॉग का साइन है, तो फॉर्मूला हमें पता है कि लॉग एम इंटू एन अगर है तो आप एम का अलग लॉग निकालिए, लॉग एम बीच में प्लस का साइन और फिर लॉग एन। तो यहाँ पे भी हम लॉग लेंगे किसका, ये है 2.709। अभी क्यूब ये 5 रूट है, तो इसको हम 1/5 पावर में भी लिख सकते हैं, बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर हम लॉग लेंगे 1.239 और पावर में आ जाएगा 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट था। अब स्टूडेंट, एक रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लॉग एम की पावर एन है तो इस एन को लॉग के शुरू में ले आइए और मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, इस 1/5 को हम शुरू में ले आएंगे और लॉग हम लेंगे किसका, जस्ट 2.709 का, और यहाँ पे 1/3 को हम शुरू में ले आएंगे और लॉग लेंगे हम 1.239 का। तो आप चाहे तो कैलकुलेटर से लॉग ले लीजिए, तो कैलकुलेटर में लॉग किस तरह से लिया जाता है वो देख लें। यहाँ पे इसका लॉग लेना है हमने 2.709, चाहे तो आप टेबल से ले लें 2.709, इसका लॉग अगर हम लेंगे तो ये आ रहा है 0.4328। 1/5 बाहर है और अंदर आ जाएगा 0.4328 प्लस 1/3। अब लॉग लेंगे 1.239 का, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.0930। इसको 5 से डिवाइड करवा दीजिए, 5 से डिवाइड करवाने पे ये आएगा 0.08656, और इसको 3 से डिवाइड करवाने पे आएगा 0.01328। अब इन लोगों को प्लस करवा दीजिए तो लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.09984। नाउ वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ताकि हम ये लॉग को खत्म कर सकें। लॉग को खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक्स रह जाएगा, और दूसरी साइड पे जब एंटी लॉग हम लेंगे इसका लेना है 0.09984 का। तो कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पे 0.09984 का एंटी लॉग के लिए 10 की पावर x वाला बटन होता है, तो रिजल्ट आएगा 1.2584। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे x इज इक्वल्स टू द
1.2584। बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है, इसका आंसर होगा 1.2584। अगर आपको चेक करना है कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो स्टूडेंट आप लोग क्या करें, कैलकुलेटर में जाइए इस तरह से। कैलकुलेटर में जाने के बाद जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या था मेरे पास, 2.7 09 09 ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर थी हमारे पास 1/5, 1/2.709 की पावर 1/5 किया तो रिजल्ट आया 0.2, और फिर 1.1.239 239 इसकी पावर पावर है इसकी हमारे पास 1/7 1/7। इससे करने से 0.4285 आ रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें 0.2 के साथ, स्टूडेंट आंसर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की ऐप मौजूद है, यहाँ से हम देख लेते हैं। जब इसको हमने फाइंड आउट किया इस तरह से, इससे जो रिजल्ट हमारे पास आया वो देखिए, ये आ रहा है 1.25851। इसमें एज इट इज हमने जो पावर हमें गिवन थी वो पुट की, तो 1.25851 तो हमारे पास भी इसी के अराउंड ही आंसर आ रहा है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1.2584, तो इट्स ओके। तो यहाँ पे 7 था तो ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, 3 लिख दिया था, तो 1/7 इसको कर लीजिए, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 8, और पार्ट 8 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है 26.62 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 की पावर 3, और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 69.53। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी लॉ यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है, लेट x इज इक्वल टू 26.62 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 की पावर 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये अंडर रूट को भी हम पावर 1/2 के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि काम हमारा आसान हो जाए। नाउ वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहीं पे मैं आपको लॉग भी लेके दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस कम लगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, इस पूरे का हमने लॉग लिया है, राइट। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रूल तो हमारा ये है कि अगर लॉग एम मल्टीप्लाई बाय एन, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग एम अलग लीजिए और प्लस करवा दीजिए लॉग एन के साथ, और अगर डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स तो आप क्या करेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन करवाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका लॉग हम अलग अलग कर लेंगे और बीच में प्लस का साइन डाल देंगे, बीच में प्लस का साइन डाल देंगे और इसका लॉग भी अलग कर लेंगे। 87.19 की पावर हो जाएगी 3, और माइनस करवाएंगे क्या, लॉग जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर है 69.53 की पावर 1/2। अब स्टूडेंट एक हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एम की पावर एन है तो एन लॉग से पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग एन से, तो यहाँ पे जो पावर में लिखा हुआ है वो हम कोफिशिएंट में ले आते हैं और लॉग में फाइंड आउट करेंगे 26.62 का 3 के कोफिशिएंट में आ जाएगा, और लॉग हम फाइंड आउट करेंगे 87.19 का, फिर 1/2
यहाँ आ जाएगा और लॉग हम फाइंड आउट करेंगे 69.53 का। लॉग चाहे तो कैलकुलेटर से निकालिए, चाहे तो लॉग टेबल से निकालिए। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 26.62 का लॉग आएगा हमारे पास। ये हम निकाल लेते हैं 26.62। प्लस 3। अब लॉग निकालना है 87.19 का, तो ये आएगा 1.940 तक। ठीक है, फिर -1/2 69.53 का लॉग निकालेंगे 1.8421 और दैट्स अब 2 को इससे डिवाइड करवा दीजिए 1.4252। जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 0.7126। इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये आंसर आएगा। जब हम 1.940 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 5.82 और 1.8421 को 2 से डिवाइड करवाने पे 0.92105। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लॉग एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 5.61155। नाउ वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां से तो सिर्फ एक्स रह जाएगा क्योंकि एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो जाते हैं, और यहाँ पे एंटी लॉग हमें लेना पड़ेगा 5.61155। तो कैलकुलेटर से ले लेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4। लेके देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसका लेना है 5.61155। एंटीलॉग 10 की पावर एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 408836। 408836 तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। अब स्टूडेंट इसका हम पार्ट 9 करने जा रहे हैं, और पार्ट 9 में हमारे पास इसको भी पहले लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल और फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लॉग एक्स और यहाँ पे ये पूरी टर्म लॉग के साथ हम लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट को भी खत्म करके इसकी पावर 1/2 लिख देंगे, 1/2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.3387 के ऊपर है 3। अब उसी तरह से यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग कहता है कि आप उनका अलग अलग लॉग लेके इसमें प्लस का साइन डाल दीजिए। लॉग 80.06 की पावर 1/2, और जो डिनोमिनेटर में है वो तो पहले माइनस लिखिए और फिर डिनोमिनेटर की टर्म लिख दीजिए, राइट। अब एक और रूल हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई नंबर है जिसकी पावर एन है तो एन लॉग एम हो जाएगा, तो ये इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और लॉग हमें लेना पड़ेगा 4308 का। तो 1/2 कोफिशिएंट में आ जाएगा और लॉग हम लेंगे किसका 80.06 का।
थ्री आ जाएगा कोफिशियंट में, और लॉग हम लेंगे 0.3387 का। अब लॉग निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालेंगे हम, तो लॉग निकालना है 4308 का, तो ये आ जाएगा 3.6342, 1/2 एज इट इज। अब लॉग निकालेंगे 80.06 का, ये आ जाएगा 1.9034 माइनस 3, फिर लॉग निकालेंगे 0.3387 का, तो माइनस में आएगा 0.4701। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10.9026 प्लस, अब इसको 2 से डिवाइड करवा दीजिए, 0.9517 माइनस माइनस प्लस, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.4103। अब इसको सिंप्लीफाई करवा देंगे तो लॉग एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 13.2646। नाउ वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पे सिर्फ एक्स रह जाएगा, और एंटी लॉग हम लेंगे 13.2646 का, तो कैलकुलेटर से भी एंटीलॉग ले लेंगे हम, इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 1.839077 और इसकी पावर हो जाएगी 13, 10 की पावर 13, बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि आगे 13 इसका पावर है, तो इसका मतलब है बड़ा नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट है, राइट right? तो इस तरह से हमने पार्ट 9 रिसॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट 10, और पार्ट 10 में जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है 43.68 की पावर है 5, और अंडर रूट के अंदर क्या है 0.057 की पावर है 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 3.048 की पावर है 4। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको x के इक्वल ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू 43.68 की पावर है 5। अब ये अंडर रूट खत्म करके पावर में 1/2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो 3/2, और 3.048 की पावर है 4। Now taking log on both side, तो ये आ जाएगा log x, और log के साथ ये पूरी टर्म आ जाएगी 43.68 की पावर आ जाएगी 5, मल्टीप्लाई बाय 0.057 की पावर आ जाएगी 3/2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3.048 की पावर आ जाएगी 4। अब लॉग क्या कहता है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप उनको अलग अलग करके रखिए और बीच में प्लस का साइन डाल दीजिए, प्लस लॉग 0.057 इसकी पावर हो जाएगी 3/2, और जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस के साथ आ जाएगा 3.048 की पावर हो जाएगी 4। अब पावर रूल लगेगा यहाँ पे, जो पावर है वो इसके कोफिशियंट में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 log 43.68 प्लस ये है 3/2 log 0.057, इसकी पावर 4 भी नीचे आ जाएगी, और ये हो जाएगा लॉग 3.048। अब लॉग निकाल लेते हैं सबका, कैलकुलेटर से निकालेंगे। सबसे पहले ये लॉग हम निकाल लेंगे 43.68 का, तो ये आ जाएगा 1.640, 3/2 बाहर लिखा हुआ है, और अंदर आ जाएगा माइनस ये 0.057 का लॉग माइनस 1.244 होता है, फिर माइनस 4, अब 3.048 का लॉग आ जाएगा 0.484,
इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इस साइड पे तो लॉग एक्स रहेगा, ये आ जाएगा 8.2, फिर आ जाएगा माइनस 1.866, फिर आएगा माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.936, राइट। अब 8.2 माइनस 1.866 करेंगे तो 6.334, माइनस करवाएंगे 1.936, तो माइनस करवाने से जो लॉग एक्स की वैल्यू आएगी 4.398। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होके सिर्फ एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे एंटी लॉग हम लेंगे 4.398 का, तो एंटी लॉग लेने से रिजल्ट आएगा 2500 3.45। कैलकुलेटर से लेंगे एंटी लॉग तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2500 3.45, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो 10 तक इसके पार्ट्स थे हमने सारे पार्ट्स कर लिए, किसी भी पार्ट में भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखी।